नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बिग शो में हम बात करेंगे जनसंख्या की। जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो भारत दूसरे नंबर पे है। जी हां, पहले नंबर पर चीन है जनसंख्या के लिहाज से, और अब हम अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो पहले नंबर पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन ये कामयाबी नहीं होगी बल्कि एक चिंता का विषय होगा। भारत अगर जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करता है तो चीन से भी आगे निकल जाएगा, और ये एक खुशी का विषय नहीं है बल्कि चिंता का विषय है। भिक्षु में आज हम इसी चिंता के निवारण को तलाशने की कोशिश करेंगे। तो जनसंख्या भारत देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए चिंता का विषय है। और ये चिंता हम आज 2020 में जाहिर नहीं कर रहे हैं। साल 1952 की बात करें तो सबसे पहले भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग को अपनाने की स्कीम इंट्रोड्यूस की, और उसके बाद संजय गांधी आए, उन्होंने नसबंदी शुरू कर दी। उसके बाद कई सरकारें आई गई लेकिन लगातार इस पर कोई खास कामयाबी नहीं मिली। देश की राज्यसभा में अब इसको लेकर एक बिल पेश किया गया है जिसका नाम है पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल। क्या है ये, आइए पहले इसको विस्तार से समझते हैं और उसके बाद आज इस बिल की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए बिग शो की ये बिग रिपोर्ट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त जनसंख्या के मामले में भारत नंबर दो पर है और बहुत जल्द यह चीन को पीछे छोड़कर पहले पायदान पर आने वाला है। यह बेहद चिंताजनक है। देश में कई बार बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन उनका नतीजा कुछ खास नहीं निकला। हाल ही में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने राज्यसभा में जनसंख्या नियमन विधेयक पेश किया। अभी इस बिल को पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना है, उसके बाद कहीं जाकर यह बिल का रूप लेगा। बिग शो में हम आपको बताएंगे इस बिल में क्या है और क्यों इस बिल को देश हित में देखा जा रहा है। इस बिल के मुताबिक हर परिवार को सिर्फ दो ही बच्चे पैदा करने की इजाजत होगी। जो लोग बिल का पालन करेंगे उन्हें सरकार कई तरह की सुविधाएं भी देगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको सरकार को एक शपथ पत्र देना होगा जिसके मुताबिक आप कानून आने के बाद दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगर कोई राजनेता ये कानून आने के बाद से दो से ज्यादा बच्चे करता है तो ना तो वह विधायक रह सकता है, ना सांसद, और ना ही सरकार में शामिल हो सकता है। अगर आप कानून बनने के बाद इसका पालन नहीं करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, जैसे सिलेंडर और पहला घर, या फिर किसी भी और तरीके से मिलने वाली सुविधाओं से आप वंचित रह सकते हैं। इस कानून में ये प्रावधान है कि ये उन पर लागू नहीं होगा जिनके कानून लागू होने से पहले दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं। जनसंख्या की बात करें और चीन का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 1970 के दशक में चीन के शहरी परिवारों के लिए एक और ग्रामीण परिवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे पैदा करने की नीति बनाई गई और इसका सख्ती से पालन भी किया गया। वहीं बात करें रूस की तो रूस अपनी घटती हुई आबादी से परेशान है, इसलिए वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इतना ही नहीं, सात या इससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को इनाम भी दिया जाता है। और अब बात करें अपने देश की तो कुल मिलाकर बात यह है कि देश की आबादी पर लगाम लगना बेहद जरूरी है। तो ये हम बात कर रहे थे जनसंख्या नियंत्रण बिल की। बिग शो में आज इस मुद्दे पर हम परिचर्चा क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब इस बिल की जरूरत भारत को है। ये बयान हालांकि उन्होंने बंद कमरे में दिया था लेकिन क्योंकि बाद में इन्होंने इस पर सफाई दी तो ये जो बयान है ये लगातार तूल पकड़ रहा है। विपक्षी पार्टियां इसको अपने हिसाब से देख रही हैं जबकि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज बिग शो की बिग डिबेट इस मुद्दे पर क्यों है ये बता रही है
हमारी बिग शो की ये दूसरी बिग रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर से चर्चा में हैं। अपने तेज तर्रार बयानों के लिए जाने जाने वाले मोहन भागवत के नए बयान से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि संघ की अगली योजना दो बच्चों का कानून बनाना है। मोहन भागवत के बयान ने तूल पकड़ा और प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। भागवत के इस बयान पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल समेत कई बड़े मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, उनकी अपनी एक राय है और मैं समझता हूँ हमेशा संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश हित में, राष्ट्र हित में विचार करता है, तो देश हित के नाते विचार रखा है और ये एक चर्चा का विचार है। सारे जितने भी देश के ऐसे जो प्रबुद्धजन हैं जो इस चीज़ को कर सकते हैं, करने वाले हैं, सब बैठ के विचार करेंगे और सबकी सहमति होने पर कानून तो तभी बनता है जब सबकी सहमति हो जाए। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर सरकार लगातार भी कदम उठाती रहती है, लेकिन इसको आंदोलन के रूप में भी चलाने की आवश्यकता है। भागवत के इस बयान के बाद कांग्रेस ने सीधे सरकार पर हमला बोला है। जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भागवत के बयान को हल्के में लिया, तो वहीं कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि बीजेपी अपने ही बयानों में एक मत नजर नहीं आती। मैं ये नहीं पता लगता ये बीजेपी वाले चाहते क्या है। एक तरफ तो कहता है कोई योगी तो कहते हैं 6 बच्चे पैदा करो, 10 करो मुसलमानों से ज़्यादा करो, एक कहता है 2 बच्चे पैदा करो। पहले तो इनको फैसला करना चाहिए कौन सा ये कानून बनाना चाहते हैं, इंडिया का भुखमरी का लेवल कितना है, रोजगार का लेवल कितना है। इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, इन बातों पर ध्यान देकर अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए सरकार को। अब इनका ये नहीं पता लगता, कोई कहता है ज़्यादा बच्चे पैदा करो, कोई कहता कम बच्चे, इनका एक मत नहीं है इनका जो बीजेपी वालों का। वहीं प्रदेश में बीजेपी का साथ निभा रही जेजेपी के विधायक ईश्वर सिंह का इस पर कहना है कि लोग पहले से ही जागरूक हैं, इस तरह के कानून की कोई जरूरत ही नहीं। इसमें कानून की बात नहीं, लोग सजग हो गए हैं, लोग जो है ना जागरूक हो गए हैं। इसी के बाद पैदा, इसके बाद बच्चे पैदा करेंगे लोग, बिना कानून के भी कर रहे। यदि कानून बनता है तो भी ठीक, नहीं बनता तो भी कोई ठीक, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या वाकई देश को इस वक्त ऐसे किसी कानून की जरूरत है या नहीं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। और ये जो बिल है अभी, हालांकि इसको जो प्रारूप है वो तैयार हुआ है और राज्यसभा में ले जाया गया है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर है। लेकिन ये बिल अगर आता है तो ये भी क्या उतनी ही सुर्खियां बटोरेगा जितनी आज की तारीख में CAA बटोर रहा है। इस विषय पर आज परिचर्चा करने के लिए स्टूडियो में वरिष्ठ मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। स्वागत कीजिए परवीन अत्रे का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ केवल ढींगरा जी हैं और हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी की सरकार है, गठबंधन में बीजेपी का साथ निभा रही पार्टी का प्रतिनिधित्व दीप कमल कर रहे हैं। आरएसएस प्रचारक के तौर पर हमारे साथ आनंद सनवारिया जी जुड़े हैं। इनेलो के हमारे साथ जोगी राम जी हैं और वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर गुरमीत जी इस पूरी परिचर्चा में हमारी मदद करेंगे विश्लेषण के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आनंद सनवारिया जी आपसे लेते हैं। ये भागवत साहब कह रहे हैं कि अब जो अगला सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है वो ये बिल हो सकता है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, क्यों? अब बिल्कुल देखिए, मैं इसको सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कहूंगा, मैं आपको पृष्ठभूमि में ले जाना चाह रहा हूं, आरएसएस के पृष्ठभूमि में जी। आरएसएस एक सामाजिक संस्थान, समाज के, भारतवर्ष के टोटल उत्थान के काम करते हुए जो पिछले 1925 से लेके उसका एक विचार है कि किसी भी तरह से हमारा भारतवर्ष, हमारी भारत माता भूमि हर तरह से आगे आगे प्रोग्रेस करती रहे, और पीछे भी पिछले सालों में भी वो विचार देते रहे हैं और उन विचारों पे जनता में भी सहयोग मिला है। अब देखिए, आपने ही कहा कि 1952 में ये जनसंख्या, जब हम भारतवर्ष आजाद हुआ था हम 36 करोड़ थे और आज हम 131 करोड़ हैं। आपने बताया कि हम चीन के दूसरे नंबर पे हैं, यही हाल रहा
तो 2-3 साल में ही हम चीन से आगे चले जाएंगे। हमारे संसाधन जो हैं निमित हैं, हमारा पानी, लैंड, सब कुछ, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ एक सीमित तरीके से रहेगा। तो किसी तरह से ये जो हमारी जनसंख्या का विस्फोट है उसको कम करने के लिए माननीय भागवत जी ने एक विचार कहा है, अपना विचार कहा है। आपने कहा वो बंद कर, वो हमारे सम्मेलन को संबोधन कर रहे थे, लेकिन उनको हर वक्त संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको ये लगता है कि हम अब भारतवर्ष वापस आपके पास लौटेंगे। एक बार देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संघ के संघ है या कुछ अलग कह रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान प्रवीण जी अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये उनका विचार है, विचार होगा, विचार पर आम सहमति बनेगी तो होगा। तो एकदम सपोर्टिव टाइप का ये बयान नहीं इसको कहा जा सकता कि जी हाँ मोहन भागवत जी ने कह दिया तो भारतीय जनता पार्टी इस पर करेगी, विचार के तौर पर लिया गया, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए मुकेश जी, ये तो बड़ा स्पष्ट है, भागवत जी ने जो अपना विचार दिया, और ये विचार मैं समझता हूँ इस वक्त पैनल में जितने लोग बैठे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग इस बात से सभी सहमत होंगे कि इस वक्त देश के अंदर जनसंख्या जो है वो विस्फोटक रूप ले चुकी है। मुझे लगता है कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अभी देखिए हालात ये हैं, हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो मात्र 2% जमीन कृषि योग्य जमीन, पूरी दुनिया के कंपैरिजन में मात्र 2% है। पीने का पानी पूरी दुनिया में जितना है उसका मात्र 4% हमारे पास पीने का पानी है, लेकिन जनसंख्या हमारी 20% है पूरी दुनिया का। तो यहां इससे स्पष्ट होता है कि जो संसाधन है वो कितने हैं और जनसंख्या की क्या स्थिति है। और इसलिए भागवत जी ने जो विचार रखा है, वैसे देखिए ये आरएसएस का एक प्रचलन भी है कि भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख होते हैं वो विजयदशमी के दिन अपना विचार देते हैं और स्वयं सेवकों को बताते हैं कि कौन सा विचार और किस तरह से उसको लेके चलना है। उन्होंने अपना एक विचार दे दिया, लेकिन जनसंख्या के ऊपर लगातार बातचीत, चर्चा ये होती रही है और आज की जो स्थिति बन चुकी है। बिल्कुल आपके साथ में हमें केवल ढींगरा जी दिखाई दे रहे हैं। ढींगरा साहब, ये जो आचार विचार चल रहा है भाजपा का और संघ का, इस पर कांग्रेस की क्या टिप्पणी है? हुड्डा साहब को तो ज्यादा पसंद नहीं आए ये वाले विचार। नहीं, देखिए इस जिस समय जनसंख्या 30 करोड़ थी उस समय भी कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था कि जनसंख्या बढ़ेगी तो दिक्कत होगी। उस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विरोध कर रही थी इसी चीज का। आज वो इसी हक में खड़े हैं कि ये चीज होनी चाहिए। आज हम 130 करोड़ पे पहुंच गए। तो आप ये देखिए कि भाजपा में ही कई विचार हैं। ये विचार की बात करते हैं, पहले विचार इनके उलट थे जिस समय कांग्रेस यही बात कह रही थी। आज हम 30 करोड़ से 130 करोड़ पे पहुंच गए। आज उनके विचार जो हैं वो बदले हैं, मतलब और लेकिन वो भी कुछ लोगों के बदले हैं, कुछ लोगों के अभी नहीं किया। ढींगरा जी, पहले इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया तो अब आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब बदला पूरा? ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं बताइए? हम तो खुद कह रहे थे कि जिस समय 30 करोड़ जनसंख्या थी उस समय हमने ये कहा था कि ये जो जनसंख्या बढ़ना जो है वो ठीक नहीं है, उसके ऊपर हम बात ला रहे थे ये। और जिस समय हम बात ला रहे थे उस समय ये विरोध कर रहे थे। आज जो है ये, आज जो कह रहे हैं ढींगरा साहब, उसको मैं क्या मानूं? 30 करोड़ होने पे नहीं, आप कह रहे हैं उसको मैं क्या मानूं? आज की तारीख में 2020 में मोहन भागवत जो कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का टिल्ट उस तरफ दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस क्या इस विचार का समर्थन कर रही है? मैं तो आपको कह रहा हूं कि हम ही लेके आए थे ये बात, और आज से 45 मतलब कांग्रेस इसके समर्थन में खड़ी है। देखिए हम आज से 45 साल पहले कांग्रेस इसके समर्थन में खड़ी है या नहीं खड़ी है? सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए। जिसने कांग्रेस इसके समर्थन में है आज की तारीख में या नहीं है? मुकेश जी मैं कह रहा हूँ कि हम समर्थन में खड़े थे, हमने ही मुद्दा लाया। नहीं, आज है या नहीं? हमने ही लाया था मुद्दा। आज समर्थन में है या नहीं ये बताइए देश को। हम ही कह रहे थे कि 30 करोड़ से 130 करोड़ नहीं होने चाहिए। सवाल है कि आज की तारीख में, आज की तारीख में आप इसका समर्थन कर रहे हैं, 130 नहीं होने विरोध में खड़े हैं? आप कह रहे हैं कि जब हम लाए थे जी, आप मेरी बातों में से वर्ड मत निकालिए। मैं आपको कह रहा हूं कि हम 30 करोड़ पे ये बात कह रहे थे कि देश को जरूरत है, पानी कम है, जमीन कम है, 130 नहीं होने चाहिए। मैं कुछ कहना चाहूंगा, उस समय बीजेपी विरोध कर रही थी। वापस आप जो है बीजेपी जो है, पहला दौर है इसके। मैं कुछ कहना चाहूंगा, क्यों विरोध कर रहे थे? मुकेश जी यहाँ पे ढींगरा जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उस पर 2 लाइनें बोलूंगा। ढींगरा जी बोल रहे हैं कि साहब 45 साल पहले हम ये विचार लाए थे, ये बात कर रहे हैं इमरजेंसी 1975 की।
सभी पैनलिस्ट यहां बैठे हैं, 1975 में इमरजेंसी के दौरान फैमिली प्लानिंग के नाम पे क्या हुआ ये सभी जानते हैं। किस तरह से ऐसे लोगों के भी ऑपरेशंस कर दिए गए नस्लवादी के जबरदस्ती हटके से, जिसका विरोध हमने किया। हम तो हमेशा कहते रहे कि जनसंख्या नियंत्रण रहनी चाहिए, लेकिन आप जबरदस्ती किसी का ऑपरेशन कर दे, किसी की नस्लवादी कर दे, जिसकी शादी ना हो ये तो गलत है ना। ढींगरा साहब है, जो ढींगरा साहब हैं वो कह रहे हैं कि इसको हम ही लेकर आए थे, कांग्रेस वाले ही लेकर आए थे, और जब आरएसएस और भाजपा इसका विरोध कर रही थी, हालांकि उस वक्त 1952 में तो भाजपा बनी भी नहीं थी। ये बीजेपी के खिलाफ केवल उस बात की तरफदारी कर रहे हैं कि एडवाइस व्यक्ति का आप नसबंदी कर दो, इसको किस तरह से दूसरे आदमी के नसबंदी कर दो, जिसको सत्ता है आप बच्चों की नसबंदी कर दो, ये काम किए थे इन्होंने उस वक्त, जिसका विरोध था पूरे देश ने किया था। क्यों सोए हुए थे इनको, ढींगरा साहब का और अत्रे साहब सुनिए जी। ओके जी, ये एसएमटी का तो मुद्दा है ही नहीं है जी, एसएमटी वाली इसमें कोई बात नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, सभी मानते हैं, ऐसा कोई नहीं है देश में ये कहे कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होना चाहिए जी। लेकिन जब तक बिल नहीं आता उसका प्रारूप क्या है, डिस्कशन उस बात पे है, बिल में क्या आता है, क्या उसका प्रारूप है। बिल्कुल ठीक। अब ये प्राइवेट मेंबर का बिल है, किसी का भी है जी, और ऐसे ही दो तीन बार पहले भी आए हैं, डिस्कस हो गए हैं और ऐसे ही ठंडे बस्ते में रखे गए हैं। अब हम जनसंघ की बात करते हैं, आरएसएस की बात करते हैं, इससे पहले भी स्वामी दयानंद जी भी हुए हैं, श्रद्धानंद जी भी हुए हैं, आर्य समाज भी हुआ है, डीएवी इंस्टीट्यूट्स भी हुए हैं, उन्होंने एनजीओज ने देखो एजुकेशन में कितना काम किया है। आरएसएस केवल विचार देता है, क्या उन्होंने अपने उस तरफ से कभी एजुकेशन पे उस पर सोचा है ग्रिपों की अपलिफ्टमेंट के बारे में, उसके बारे में वो अलग मुद्दा है। मैं ये बता रहा हूँ, एक मिनट सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपके पास आएंगे। अब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं जो सीएए है हमें कोई तरह, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। अब कई स्टेट्स में ये ऑलरेडी लागू है, जो ये पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर से पूछ के थोड़ी ना हम कानून बनाएंगे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं आप मेरी बात सुनिए, जो हमारे महाराष्ट्र के अभी मंत्री बोल रहे थे कल ही कि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी लागू है, ये प्रतिबंध है उन पे अगर दो से ज्यादा बच्चे होते हैं तो, कई स्टेटों में ऐसा सुना है कि भी है, तो इसका प्रारूप है कोई, ये उनका मुद्दा नहीं है कि आरएसएस का मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है और सारी पब्लिक का मुद्दा है और सब समझते हैं भी होना चाहिए, वापस आपके पास लेकिन प्रारूप क्या होना चाहिए वो मुद्दा है। गुरमीत जी, ये जो मुद्दा है जाहिर है कि केवल मात्र भारत का नहीं है, इस मुद्दे को लेकर अलग अलग देशों की अलग अलग राय है। चाइना के बारे में कहें तो उन्होंने कब से इसको कब तक रखा और फिर उसका क्या नतीजा हुआ। रशिया उसके उल्टा चल रहा है, रशिया कह रहे कि कम से कम अगर 7 बच्चे आप पैदा करोगे तो आप देश में सम्मान के काबिल हो, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ही नहीं है। तो भारत की जो स्थिति है चाइना के बराबर पहुंचने वाला है, इसको आप शुरू से लेकर अब तक थोड़ा सा एक्सप्लेन आप हमारे दर्शकों के लिए कर दीजिए। देखिए, चाइना की गवर्नमेंट ये दावा करती है कि उन्होंने जो 35-36 साल वन चाइल्ड नॉर्म रखा, हालांकि उसमें कुछ रिलैक्सेशन थे, लगभग आधी आबादी उससे बाहर भी थी, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि उससे 40 करोड़ उनकी जो नए जो बच्चे आ सकते थे या उनकी जनसंख्या बढ़ सकती थी उसको उन्होंने प्रिवेंट किया, चाइना ने ऐसा कहा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना के अब हम आगे निकलने वाले हैं, और चाइना के अगर हम बराबर भी मान लें तो हमें ये भी मानना पड़ेगा मुकेश जी कि चाइना का जो क्षेत्रफल है वो हमसे कहीं ज़्यादा है आज भी, तो जो समस्या हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। बट एट द सेम टाइम अगर हम ये, तो दूसरी बात, हम चाइना को तो फॉलो कर भी नहीं, हम वन चाइल्ड की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम टू चाइल्ड की बात कर रहे हैं, अभी तो हमारे यहाँ वो बात चल रही है। सिर्फ एक दो मुद्दे इसमें हमें देखने वाले हैं, दो तीन। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो जेंडर को लेकर एक मुद्दा है, अभी भी आप जानते हैं कि अगर किसी की 3 लड़कियां हो फिर भी वो लड़का के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं या उनको, तो अब सवाल ये है। दूसरा, जेंडर इम्बेलेंस, मान लीजिए अगर आप चाइना ने जैसे सिंगल चाइल्ड का वो किया था, और तो वहां पर एक ये भी समस्या है कि भी पहले देखने को किया था, ग्रामीण शहरी में उन्होंने किया, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप सिंगल चाइल्ड, हमारे तो सिंगल की भी बात ही नहीं चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर समय समय पर इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई हैं, लेकिन हमें अपनी जो परिस्थितियाँ हैं उनके मुताबिक इसे देखना पड़ेगा कि उसमें हम क्या प्रावधान, जैसे कि बहुत असामान्य बातें हैं उनके प्रावधान हो सकते हैं, मान लो किसी का जुड़वा बच्चा है, हमारे यहाँ तो 2 का चाइना में ये दिक्कत थी, उसके बाद उन्होंने उस पर रिलैक्सेशन दी है ना, हमारे यहाँ हमारे इसमें भी क्लियर नहीं है कि अगर अभी हमारे अभी तो अगर दूसरा बच्चा जुड़वा पैदा हो गया तो क्या होगा। दूसरी बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो अभी प्राइवेट मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर विधानसभाओं में भी आते हैं, लोकसभा में भी आता है, राज्यसभा में भी आता है, जितनी मेरी जानकारी है उसके मुताबिक इस तरह के प्राइवेट मेंबर बिल पहले भी
एक दो नहीं दर्जनों आए हैं, और एक जमाने में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तब माखनलाल फोतेहार द्वारा भी इस तरह का एक बिल लाने की तैयारी हुई थी जो बाद में रुक गया और उस पर चर्चा होके वो बात सिरे नहीं चढ़ी। तो अब सवाल ये है कि ऐसे माहौल में जब ऑलरेडी तीन चार विषय इस तरह के चल रहे हैं तो क्या, क्योंकि देखिए होता क्या है कि पॉलिटिकली अब कांग्रेस वाले अभी आपको देखिए कह रहे थे इतनी देर से कि हम पहले कह रहे थे तो आज तो समस्या और गंभीर है, तो उन्हें तो फिर खुल के ये कहना चाहिए कि हाँ ठीक है चलो कोई काम अगर पहले नहीं हो पाया अब हो रहा है तो वो अच्छी बात है। लेकिन होगा क्या, मैं आपको जो आगाह करना चाह रहा था वो ये था कि जैसे पिछले दिनों जब सीएए की बात चल रही थी तो उस समय पर ये बात चली रिलीजियस माइनॉरिटी की, जब तो हमारे जो गृहमंत्री जी हैं वो एक बयान दे रहे थे कि हमारे देश में तो जो मुस्लिम्स हैं उनकी आबादी की जो प्रतिशत है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। अब ये बातें कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग लेके जो दुर्भाग्यपूर्ण वापस आपके पास लौटेंगे, और यही जो सवाल है हमारे जहन में इस वक्त है, और क्योंकि आरएसएस के प्रचारक के तौर पर आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये जो बिल है जी ये आपके जहन में क्या है कि देश की आबादी को हमने बढ़ने से रोकना है या फिर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनके बच्चे हिंदुओं की तुलना में ज़्यादा होना है उन पे इनडायरेक्टली अटैक करना है? नहीं नहीं बिल्कुल मुकेश जी, मैं क्लियर कर दूं, और इससे पहले कि मैं आपके सवाल के आऊं, मैं मेरे माननीय दोस्त कांग्रेस के बुलारे डिंगरा साहब बोल रहे हैं कि बिल तो हम लेके आए थे, बीजेपी उसको अपोज, आप उनका ज्ञान बड़ा सीमित है, आपने बड़ा सीधा सवाल पूछा था, जवाब नहीं आया। 1952 की जब बात हो रही है तो बीजेपी तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिंगरा साहब आप अपनी पार्टी की बात कीजिए कि आपके क्या क्या विचार हैं, अब आप आरएसएस और बीजेपी की बात मत कीजिए, आप सीए की बात करिए, आपके आपके जो आपके कपिल सिब्बल कुछ कहते हैं बीजेपी प्रवक्ता भी और आपके प्रचारक भी कहते हैं कि कोई भी, आप ये गलत बयान ही नेशनल इतनी इंपॉर्टेंट टीवी पे मत कीजिएगा, और इस मुद्दे को मारिए कि इस वक्त जो संख्या विस्फोटक हो रही है, संघ देखिए, अब मेरे साथ जोगीराम जी बड़े सुलझे हुए नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि विचार देता है आरएसएस करता, जोगीराम जी कभी संघ में शाखा में जाके देखिए कि संघ कर क्या रहा है, नहीं डेढ़ लाख प्रोजेक्ट जो है, एजुकेशन क्या, गरीब क्या, ट्राइबल क्या, सबका आपने सवाल ये लाठी आपकी राजपूत जी, मैं आपका समाज सुन लीजिए, सुनने का आग्रह रखिए, मैं आप जो क्या ये, देखिए भागवत जी ने एक विचार दिया है, उन्होंने कहा कितने बच्चे हों ये सरकार नियत करेगी। आइए जो प्राइवेट बिल आया है, अभी डॉक्टर गुरमीत जी ने बड़े सुलझे तरीके से बताया है, प्राइवेट बिल आया है इस पे डेलिब्रेशन होंगी, ये किसी जाति धर्म के अगेंस्ट नहीं है, ये भारतवर्ष के फेवर के लिए है। ये तो आपका कहना हुआ, हम अब रुक कर आएगा ना, समय आएगा। दीप कमल गलत बयानी मत करो, दीप कमल इस वक्त आप हरियाणा की सरकार में बिल्कुल गठबंधन की सरकार है, और ये आरएसएस का विचार और भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर पक्ष कांग्रेस को आप सुन रहे हैं, आपकी पार्टी नई नवेली पार्टी है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए मुकेश जी, बिल्कुल साफ बात है कि 2020 में हम उस बात पर चर्चा कर रहे हैं जो आज से शायद 50 साल पहले बहुत गंभीरता से चर्चा करके हमें इस पर और गंभीरता से कदम उठा लेने चाहिए थे जे. और इसको और ज़्यादा व्यापक करना चाहिए था, सिर्फ संख्या या किसी और सीमित दायरे की बजाय इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़्यादा तेज़ी से होनी चाहिए थी। जो साधन हैं वो क्योंकि पहले से भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, उस वक्त से भी हम देखते आ रहे हैं कि हमारे दो का नारा अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूकता उसमें देना, बच्चों तक में आगे उस बात को प्रचारित करना कि ये कितना ज़रूरी है, और जनसंख्या नियंत्रण के जो साधन हैं वो मुफ्त उपलब्ध करवाना, उसके बारे में आगे अवेयरनेस लाना, वो सारी चीज़ें होती रही हैं। अब ये तो वक्त की ज़रूरत है कि जब बात गले तक आ गई है और ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारी दिल्ली मुंबई शहरों में पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई है, सड़कों पर पार्किंग की जगह नहीं है, हमारे कॉलेजों में एडमिशन के लिए जगह नहीं है, तब हम उस बारे में गंभीरता से विचार करें। अब हमारे पास चारा भी नहीं बचा है,
लेकिन मैं मानता हूं कि इसको सरकार के साथ साथ पूरे देश को इसका साथ देना चाहिए। और जैसे ढींगरा जी के साथ है कि अब वो तो मेरे ख्याल से इस बात का ग्राउंड बना रहे हैं, क्योंकि डिबेट में थोड़ी देर बाद ये बात आनी थी कि अब तक हुआ क्यों नहीं, ये सारे साल तो आप सारे टाइम तो आपकी सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, तो वो ग्राउंड बना रहे हैं पहले। ढींगरा जी के पास भी जाएंगे, पहले परवीन अत्रे के पास चलते हैं जी। मैं इसके साथ सर एक चीज कहना चाहूंगा कि हमेशा हर बात के लिए ये नहीं कि आप विपक्ष में हैं या किसी में, तो विरोध ही हो जाए। जब हम विपक्ष में थे, अगर सर्जिकल स्ट्राइक का विषय आया, तीन तलाक का विषय आया, हम सरकार के साथ खड़े थे, देश के साथ खड़े थे। आज के दिन उसको और भी ज्यादा विस्तार करने की जरूरत है। यही जो सवाल कही जा सकती है परवीन अत्रे से पूछने वाला था, अगर कानून बनने में और 2 साल लग रहे हैं, तो आज के दिन रियलाइज करते हुए काम तो लोगों में अवेयरनेस तो आज से शुरू कर दे उस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हर काम तो कानून से बनता भी नहीं जी। अत्रे जी, जैसे दीप कमल ने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि CAA, बालाकोट और 377, तो अब क्या ये वाला बिल अगला प्रोजेक्ट? देखिए मुकेश, पहली चीज तो ये है कि जिस वक्त 370 धारा को हटाया गया, आपको याद होगा मुकेश, हम लोग जब चर्चा करते थे तो अक्सर कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी वायदा कर दिया 370 हटाने का, हटाती क्यों नहीं? जब वो हटा दिया गया तो इस बात की चिल्ला चिल्ली के साथ क्यों हटा दिया? जब बात होती थी राम मंदिर का मुद्दा कि भारतीय जनता पार्टी तो इस पर राजनीति कर रही है, जब कोर्ट के माध्यम से वो मुद्दा हल हो गया तो उस पे ऐतराज, तीन तलाक के ऊपर ऐतराज, मतलब सोचिए कि विपक्ष की सोच कैसी हो चुकी है। किसी को कोई इतराज नहीं, गलत बना रहे हो ये, विशेष तौर पे कांग्रेस की हल हो रहा है। एक बात समझना बड़ा जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का हर नागरिक संपन्न हो, खुशहाल हो। 1827 से पहले जिस तरह से भारत विश्व में, तो कोई ऐतराज नहीं था 1827 से पहले की जो स्थिति थी वो स्थिति लेके आई जाए, और उसके लिए हमें कोई भी अच्छा विचार देगा, कोई भी देशभक्त देश प्रेमी बेहतर विचार देगा, चाहे वो विपक्ष के मित्र भी क्यों ना हो, हम उस विचार को लेंगे अगर वो देश हित में होगा। तो फिर उस समय विरोध क्यों कर रहे थे? कुछ ऐसा हुआ कि जो ये भाजपा वाले कर रहे हैं ना, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अगर आपने इन नीतियों के खिलाफ बोला तो आप भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप देशद्रोही की कैटेगरी में आ जाते हैं अगर आप। बिल्कुल, हमें ला रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात, देशद्रोही की कैटेगरी में लाना चाहते हैं। अभी ढींगरा जी क्या कर रहे हैं? एक ऐसा बीजेपी का काम है, इसके बारे में ये बीजेपी का काम है, जिस भी आदमी को देशद्रोही की कैटेगरी में ले जाओ। आप जो अभी ये लेकर आए ट्रिपल तलाक, देखिए मुकेश, पैनल का हर व्यक्ति इस बात से सहमत है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, या ये जो पॉल्यूशन स्थिति में आ चुकी है, पॉपुलेशन जमीन कम हो गई पानी कम हो गया तब मान रहे हैं। और इनको पहले मानना चाहिए था, 45 साल पहले मान लेना चाहिए था, सवरिया साहब को पहले मान जाना चाहिए था। और आज मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये जो बिल है इसका प्रारूप जैसे कि योगी राम जी ने कहा, क्या इसमें भी हिंदू मुस्लिम तो नहीं बांटे गए? इसमें ये तो नहीं कहेंगे कि हिंदुओं के बच्चे कितने होना चाहिए, हो गया ये सोच रहे कांग्रेस में होने चाहिए, ईसाइयों के कितने होने चाहिए, ये भी बताना चाहिए कोई भी नहीं पता, किसी भी धर्म का हो, इनकी जो वो खुशहाल हो, इनकी जो बातें हो, ये विचार है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन हमारे विचार हो रहा है तो बाप को भी नहीं है कहीं, इन्होंने धारा 370 को भी नहीं पता लगेगा, ये क्या निराग है हिंदू मुस्लिम ढूंढा। ढींगरा जी, मैं आपसे दो बातों पर स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ कि आप कह रहे 45 साल पहले करते थे और बार बार आपकी बात का विरोध किया गया, क्या आपके पास कोई अवसर नहीं आया जब आपके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बहुमत था, आप चाहते तो इसको ले आते,
तब आपको विपक्ष के विरोध में विरोध रही थी। यही और दूसरी बात, देहरा जी पूरी बात सुन लीजिए, उस विरोध के अंदर आप लोग भी शामिल थे। देहरा जी एक मिनट बात सुन लीजिए, विरोध के अंदर आप लोग भी शामिल थे, एक मिनट बात, सभी लोगों ने इस बात का विरोध किया था, कमाल की बात है। कांग्रेस की इनको जवाब देना पड़ेगा, लोग विरोधी थे उस समय, आप लोग भी विरोधी थे। लोकदल के अंदर विपक्ष के विरोध की वजह से आपकी पार्टी ने, कांग्रेस ने देश में कोई काम नहीं किया क्या कभी? बिल्कुल किया, बहुत सारे सारे काम भी कांग्रेस ने किया था। उससे आप लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ राजनीति की, सिर्फ विरोध करने का काम कांग्रेस का करते थे आप लोग। जिस लोगों को कांग्रेस पसंद नहीं आई, 45 साल में कभी ताकत नहीं आई, उसने बीजेपी बनाई, उसने सभी पार्टियां बनाई, रुक हम वही डॉक्टर गोविंद का कर रहे हैं। गोविंद जी ये जो इस वक्त अगर हम विदेशों से तुलना कर रहे हैं अपने देश की, कांग्रेस के सिवा कोई पार्टी नहीं थी देश के अंदर, या सभी जो देश का नाश किया वो कांग्रेस, रुक गई अत्रे जी को पीछे रखे डिंगरा जी, 70 साल आप पूरी हो उनकी तुलना में आज हमारे देश में जो जनसंख्या है वो लगभग 30 करोड़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो लगभग 100 करोड़ का अधिक बोझ हम झेल रहे हैं हर एक तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए। जो बेरोजगारी की बात अभी कर रहे थे योगी राम जी और भुखमरी, ये डायरेक्ट पॉपुलेशन से जुड़ी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितने आपके लिए अवसर हो सकते हैं अगर आबादी ज्यादा होगी तो नहीं होगी। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि अवेयरनेस नहीं बढ़ी है, आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ कि 91 से लेके जो 2001 की सेंसस हुई थी उसमें जो हमारी जन्म दर थी जिसे हम कहते हैं वो 21.5 थी, जो 2001 से जो 2011 है उसमें 17% हुई है, लेकिन जो रिक्वायर्ड है कम हुई है ना, कम हुई है, बड़ी नहीं है वो, कम हुई। अभी हम जितने लोग बैठे हैं, मेरी एक बच्ची है ना, बाकी से आप पूछ सकते हैं किसका कितने बच्चे हैं, तो वो नेचुरली लोग इस प्रति इस ओर जागरूक हुए हैं, लेकिन निश्चित ही इस और असंघ के लोग तो अगर मैं मजाक में कहूँ तो वो तो बहुत ही योगदान दे रहे हैं क्योंकि प्रचार को तो विवाह ही नहीं करते, तो अभी आप साहब और उनको दिखा रहे थे तो नो डाउट उनका एक योगदान है, योगदान वही होगा, प्रचारक तो विवाह ही नहीं करते। लेकिन मेरे सिर्फ जो कंसर्न है सर वही है, वो दो तीन है। एक तो जैसे मैंने कहा क्योंकि हमारे यहाँ कलर दे दिया जाता है तो इस मामले को बहुत ही नाजुकता से देखना पड़ेगा, खासतौर पे अभी जो हमारे यहाँ माहौल चल रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ जो और देश हैं उनकी तुलना में जो जेंडर का मुद्दा है, आप बताइए ना ये बात सच है या नहीं कि पहले के पहले अगर कई परिवार आपको ऐसे मिलेंगे और पढ़े लिखे, हम यूनिवर्सिटी के लोगों को जानते हैं, दो बेटियां एक बेटे के लिए और कोशिश कर रहे हैं और वो हो रहा है तो तीन हो गए उस चक्कर में, तो जो हमारा भ्रूण हत्या की समस्या ऑलरेडी है, अब मान लीजिए अगर आपने नॉर्म लगा दिया तो हो सकता है कि वो जो दो बेटियां आई हैं, मतलब इस तरह की कंसर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ जो वो है वो अलग है। अच्छा दूसरा मैं आपको और बताऊं, चाइना में तो वन का किया था, हम तो वन की बात ही नहीं कर रहे, तब जाके चाइना कंट्रोल कर पाया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना ने जो इतनी ज्यादा आगे निकल गया चाइना, 40 करोड़ के करीब रोकी उन्होंने, ऐसा वो दावा करते हैं, हालांकि वहां पर भी अलग अलग मत है उसको लेकर, अलग अलग उस पे वो हो सकते हैं, पर निश्चित ही अगर जनसंख्या नियंत्रण, देखिए जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो सकता है, या तो जैसे दीप कमल कह रहे थे या शायद और किसी ने पैनल में कहा कि अवेयरनेस ला सकते हैं आप, है ना, कानून बना सकते हैं। चाइना ने तो पूरा फोर्सफुली स्टरलाइजेशन भी करी और उसके बाद एबॉर्शन तक उन्होंने करे, अब हमारे यहाँ पर रिलीजियस मामलों के कारण भी कल को ये प्रश्न उठ सकते हैं, उन्होंने तो बहुत ज्यादा उनकी सोसाइटी तो हमारे यहाँ भी तो संजय गांधी ने ट्राई किया था वो स्टरलाइजेशन जो करी थी उसको लेकर, फिर आपको पता ही है कि इमरजेंसी में किस तरह की वो समस्याएं आई थी। दूसरा ये कि इमरजेंसी हुआ वहां पर तो क्या हुआ आपको याद है, वहां पर मैं आपको बताता हूँ एक बात, वहां पर तो लोगों को पकड़ पकड़ के जो कुमारे लोग थे उनकी भी नसबंदी के टारगेट राजपूत जी, अभी मैं बड़े ध्यान से नहीं तो उस वाले जो कदम वो उठाया गया कि भाई लोग आसानी से तो मानते नहीं है तो चलो ऐसे नहीं तो ऐसे सही, तो फिर उसका क्यों विरोध कर रहे थे आप? देखिए नील कमल जी ने बड़ा एक दीप कमल जी ने बड़ा पर्टिनेंट सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा था, मुझे उम्मीद थी वो जवाब नहीं देंगे, और क्योंकि वो तो बोलना जब बोलना शुरू करते अपने डायरी देखते देखते, ये मैं पूछना चाहता हूं कि इनके नफरी की कोई कमी नहीं थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में थे, कई बार थे, लेकिन इनके अंदर वो ताकत नहीं थी जो देश के कल्याण के लिए काम कर पाए, और ये कह रहे हैं कि देखिए प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं और जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो अभी प्रतिपक्ष के हरियाणा में नेता हैं वो 370 की भी हिमायत कर रहे हैं, तीन तलाक की भी हिमायत कर रहे हैं, और लेकिन ये प्रवक्ता महोदय जो है कर रहे हैं। मैं आप हुड्डा साहब ने तीन तलाक की हिमायत कर रहे हैं, उनके बेटे ने भी माना है, आप मत मानिए। देखिए
अब नहीं मान रहा, मैं तो मान रहा हूँ आप नेशनल मान रहे हैं, मानिए हुड्डा साहब के बहुत करीबी आदमी है, अरे बहुत करीबी है, लेकिन वो हुड्डा साहब मत, हुड्डा साहब ने सीए के बारे में जो कहा है वो ये नहीं मानते, हुड्डा साहब ने कहा है बड़े क्लियरली उनके ये तो लिए। ये तो मान रहे हैं पर आप ऐसे ही कहते रहे तो हुड्डा साहब को, हुड्डा साहब को कंफ्यूज कर रहे हो, वापस आपके पास आएंगे। एक बार जो मोहन भागवत साहब हैं उन्होंने जाहिर है कि ये बयान अंदर अपने कार्यकर्ताओं को दिया था, लेकिन बात जब मीडिया में पहुंची, तूल पकड़ा, तो उसके बाद भागवत साहब ने क्या कहा ये सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जनसंख्या एक समस्या भी है, जनसंख्या एक साधन भी बन सकती है, तो इसका विचार कर कर एक नीति बननी चाहिए, अभी सरकार की बनी है, जरा और विचार करके बननी चाहिए, सबका मन बनाना चाहिए उसके लिए और बाद में वो लागू करनी चाहिए सब पर। तो इस बयान को किस तरीके से देखते हैं दीप कमल, की जनसंख्या जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ सकती है और पॉजिटिव भी, अगर हम बात करें थोड़ा सा जो आजकल देश में चल रहा है हिंदू मुस्लिम समुदाय को लेकर आपस में खींचतान चल रही है, जिस तरीके से बिल लाए हैं उनका कई जगह विरोध हो रहा है, कई जगह उनके फेवर में रैलीज निकाल रही हैं, तो मुस्लिम समुदाय पर बार बार ये आरोप लगता है कि वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहते हैं और विश्व की सबसे बड़ी आबादी बनना चाहते हैं, इसके चलते संघ ऐसी बातें कर रहा है, क्या आपका ऐसा लगता है? देखिए, संघ से ज़्यादा इस बात की चिंता ढींगरा जी और कांग्रेस पार्टी को है, इस बात में वो जवाब छिपा हुआ है जो ढींगरा जी कभी देंगे नहीं और उन्होंने दिया भी नहीं कि 45 साल या 50 सालों में बार बार बहुमत होने के बावजूद और इनकी पार्टी की नीति होने के बावजूद, सोच होने के बावजूद जो इन्होंने कहा है उसके बावजूद उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि इनको इस बात की चिंता है कि जहां पर ज्यादा बच्चे होते हैं उनके वोट कहीं नहीं पाए, हम बिल लाए थे आप विरोध कर रहे थे, तो ये चिंता इनकी ज्यादा है, तथ्यों की जांच कर लेते हैं, कब लाए थे ढींगरा साहब बिल आप? बिल नहीं, मैं कह रहा हूँ उस समय हम मुद्दा लाए थे, 45 साल पहले हम ये बात कह रहे थे। दूसरी बात, मैं एक महत्वपूर्ण बात, जैसे मोहन भागवत जी की, क्योंकि छोटी सी बात है और उन्होंने एक बात ये कही कि जनसंख्या बोझ भी बन सकती है और ताकत भी बन सकती है, और इस बारे में एक चर्चा हो जाए, नीति बन जाए और फिर बाद में उसको लागू किया जाए, इसके अंदर बहुत बड़ी बात है। चलिए, मैं इस वक्त जो ढींगरा साहब की फेवर करने वाला हूँ, क्योंकि आप चार लोग मिलके उनको अकेले को घेर रहे हैं, बिल्कुल ढींगरा साहब, अब आप लगातार एक मिनट बोल सकते हैं और तथ्यों पर आधारित आप बात बोलिए कि ये तो जो बिल अभी प्राइवेट मेंबर का बिल है, जाहिर है कि अभी बहुत प्रोसेस में होगा, अगर ये आता है तो कांग्रेस इसकी फेवर में खड़ी है या नहीं खड़ी है? देखिए, जनसंख्या जो है ये बड़ी समस्या है, बड़ा मुद्दा है, इसके लिए तो कांग्रेस जब 35 करोड़ थे तब खड़ी थी, आज क्यों नहीं होगी? और जो कानून बनता है वो लोगों की भलाई के लिए जो बनता है उसके लिए तो कांग्रेस हमेशा काम करती रही है। ये लोग उसके उल्टा, जब तक हम उस कानून को आजाद हुए तकरीबन कितने साल हो गए? देखिए मुकेश जी, एक अपने देश को आजाद हुए तकरीबन कितने साल हो गए? किस चीज को? देश को आजाद हुए, भारत देश को, देश को आजाद हुए इस समय 47 में देश आजाद हुआ, 1947 में। गिन के बताए, अभी गिन के बताए। चलिए, 1947 से लेकर 2020 तक सबसे ज्यादा राज कौन सी पार्टी ने किया? कांग्रेस ने किया जी। तो फिर कांग्रेस पर ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जो बात आज 2020 में हो रही है उसको शक्ति प्रदर्शन के जरिए या जैसे भी, क्योंकि भाजपा की जो आज स्थिति है ना वैसी स्थिति कांग्रेस की सालों साल रही है, कांग्रेस के नाम पर खड़ा हो जाए आदमी जीत जाता था और बहुत अधिक बहुमत से कई बार आपकी सरकारें बनी है, तो वहां पे चूक क्यों हो गई? चूक नहीं हुई थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कांग्रेस इस बात की फेवर में थी कि जो जनसंख्या है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ये बात तो 1947 के बाद 1975 में ही उठ गई थी, लेकिन उसके बाद आज 73 साल हो गए, आज जो है स्थिति ये दूसरे दलों को समझ में आई है, निकले तो कांग्रेस से ही है सारे दल और ये लोग ही तो विरोध कर रहे थे, और ये सारे के सारे दल जितने भी बैठे हैं यहाँ ये विरोधी दल थे इस बात के, और आज जो है ये उसी बात को रख रहे हैं, ये कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, ये लोग विरोध क्यों कर रहे थे जो पूछा है उसकी बात कर लीजिए। भिक्षो में आज हम चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में रखा गया है, और अब गुरुवार को मोहन भागवत जो संघ के मुख्य प्रचारक हैं उन्होंने भी कहा कि ऐसा बिल आना चाहिए कि दो से ज़्यादा बच्चे ना हो, और इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हैं
जिनके चलते अगर दो से ज़्यादा बच्चे इस बिल के आने के बाद अगर किसी के घर में पैदा होते हैं तो बहुत सारी जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे आपको पहले घर में कुछ छूट मिलती है, गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सरकारी नौकरी में या आपने चुनाव लड़ना है तो उनमें मायने रखती है, उन पर आपकी कटौती की जा सकती है। फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पैनल मौजूद है। अभी जो प्रारूप आया है गुरमीत जी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से लूपहोल्स हैं जिन पर अभी काम करने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है जो इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल बनाया है कि इसमें जो नेता हैं जी उन पे भी प्रतिबंध लगाया गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ऑलरेडी जिन राज्यों में अभी जो बात चल रही थी, कुछ राज्यों में इस तरह के प्रावधान लागू हैं, खासतौर पर निचले स्तर पर जहाँ पर आप चुनाव पंचायत वगैरह का नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल पर शुरू से लेकर नीचे तक अगर उस बात को करने की बात है, फिर जो सबसे बड़ी बात है हमारे देश के हिसाब से वो ये है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं अगर वो दो से उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ेगा, ये भी ऑलरेडी कई राज्यों में है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ता है कि वो दो से अधिक बच्चे जो है वो नहीं करेंगे, और अगर वो करेंगे तो फिर उनकी नौकरी पर आँच आ सकती है। और इसी तरह से जो अन्य सरकारी सुविधाएँ मिलती हैं उनकी बात भी इसमें है। तो मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो निश्चित ही, और एक जो सबसे अच्छी बात यह है कि भाई रेट्रोस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है कि किसी के बच्चे पहले ज्यादा हैं तो उसको भी आप उससे सुविधा छीन लेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात हो जाती है जैसे आने के बाद, कानून के आने के बाद तो इस तरह से। लेकिन मैंने जैसे दोबारा कहा कि इसमें कोई, अगर आप वैसे कहेंगे तो कोई वो नहीं, लेकिन जो हमारी सामाजिक संरचना है उसकी ओर साथ के साथ अगर हमें ध्यान नहीं देते, अब मान लीजिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे अभी भी, हमें ये मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए, हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि रूरल एरिया में लोग अवेयर नहीं हैं या अर्बन में, लेकिन अभी भी जो हमारे यहाँ परिवार नियोजन के जो संसाधन है ना, उनको लेकर उतनी खुली चर्चा, हालांकि कई जगहों पर कोशिश की गई कि जो मशीन्स हैं वो लगाई जाएँ, है ना, ओपन में अस्पतालों में और जगहों पर, लेकिन अभी भी शायद हमारे यहाँ उतनी ओपन चर्चा नहीं होती। और बहुत जगहों पर ऐसा अनुभव देखने में आया है कि आप जो है कि आपको, क्योंकि आप उसके प्रति जागरूक नहीं है इसलिए, और फिर हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया कि एक मान्यता है कि जो एबॉर्शन है उसको ठीक नहीं माना जाता, और वो एक बात सही भी है कि वो जीव हत्या है, तो वो पहले स्तर पर जो अवेयरनेस है शुरू से उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए कानून के साथ साथ। कानून तो जैसे मैंने बताया वो एक तरह से एक डेटरेंस के तौर पे हो सकता है और बहुत सारी चीजों में वो जरूरी भी होगा, लेकिन जैसे खासतौर पर पुरुष महिला अनुपात जी, एक बार रुक प्रवीण अत्रे का करते हैं। प्रवीण अत्रे जी, इस बिल को लेकर जो शंकाएं जाहिर की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि अगर ये बिल आ जाता है कि दो ही बच्चे आपने पैदा करने, और पहली अगर बच्ची पैदा हो गई तो अधिकतर लोग लिंग जांच करवाएंगे, और लिंग जांच के चलते बेटा पाने के लिए वो भ्रूण हत्याएँ करेंगे। मुकेश जी, पहली बात तो ये है कि ये प्राइवेट मेंबर बिल है जो राकेश सिन्हा जी लेके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बतौर प्रवक्ता किसी प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर क्या क्या है उसके ऊपर मेरे ख्याल, मुझे नहीं लगता कि मैं चर्चा करने का अधिकारी भी हूं, लेकिन विचारणीय विषय है और देश हित में देश के हर नागरिक को इसके ऊपर विचार और चर्चा करना चाहिए, ऐसा मानना है मेरा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिसके जिक्र बार बार ढींगरा साहब कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, ढींगरा साहब सन 75 की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में 1980 में आती है, लेकिन जो ढींगरा साहब सन 75 की बात कर रहे थे उसका विरोध तो पूरे देश ने किया था, देश की जनता ने किया था। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण है, सन 2000 में वेंकट चलैया आयोग बनता है, संविधान समीक्षा आयोग, 11 मेंबरी आयोग था, सभी मित्र यहाँ पे जानते होंगे, और उस आयोग के अंदर ये सिफारिश थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को बनाना चाहिए, जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी अपनी 2-3 साल की सर्वे के बाद, अपने होमवर्क के बाद। तो कांग्रेस जो है उसके बाद सत्ता में रही लगातार, और कांग्रेस ने, अगर जिसरे ढींगरा जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि साहब हम तो हक में थे, तो वो रिपोर्ट ढींगरा साहब ने बाहर क्यों नहीं निकाल ली, क्यों नहीं उस वक्त? तो कहने का मतलब केवल यह है कि राजनीति का विषय नहीं है, जब संसाधनों की कमी हो और जनसंख्या की स्थिति विस्फोटक हो, कंपैरिजन अगर हम देखते हैं दूसरे देशों से, तो हम जिस तरह से हमारा जो इंक्रीज रेट है, वो बढ़ोतरी जो है, चाइना से मुकाबला कर ले, जहां 11 बच्चे पर सेकंड हम 33 बच्चे पर सेकंड, क्षेत्रफल में हम चाइना से 1/3 है, तो कहीं ना कहीं देश के हर नागरिक को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। देश के हर नागरिक का कर्तव्य भी बनता है कि अपने संसाधनों के अनुरूप इस विषय को सोचते हुए उसके ऊपर अपनी जो कोशिशें हैं उनको लगातार बढ़ाए। ढींगरा साहब आपके साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दर्शकों को, तो ढींगरा साहब आप अब इस बिल का विरोध नहीं करेंगे, मतलब ये जो बातचीत है, इस बातचीत के दौरान हम इस निर्णय पर पहुंच जाएं, या बिल्कुल हम सत्ता भाजपा की है तो विरोध करना हमारा फर्ज है, हम इस बात का समर्थन करने वाले लोग हैं,
और कोई भी अच्छी बात है उसका समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात ये वाला जो समर्थन है, ये वाला जो समर्थन है, मैं आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, ये मुस्लिम वोट बैंक को आपके खिस्सी से थोड़ा खिसका सकता है। अरे कुछ नहीं खिसता, हम इस चीज की परवाह नहीं करते, जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आपको, जो ये प्राइवेट मेंबर हैं, ये भी जांच होनी चाहिए कि ये भी तो विरोध कर रहे थे, ये आरएसएस के ही तो लोग हैं, ये भी विरोध कर रहे थे उस समय। अच्छा, जो राकेश सिन्हा जी की बात कर रहे हैं वो भी आरएसएस के हैं, वो भी विरोध कर रहे थे उस समय। ये जो लोग हैं देश को करना क्या चाहते हैं, ये लोग जो देश को, इनको पहले इनको ये समझना चाहिए कि आरएसएस है क्या, लोगों को आरएसएस गलत सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। ये देखिए सुनिए, और इनको पंडित नेहरू जी की वो बात याद रखनी चाहिए जो है देश सन 62 के युद्ध में आरएसएस ने जो काम किया था, वही लोग हैं ये। पंडित नेहरू ने बाकायदा आरएसएस को बुलाया था पब्लिक मरने के बाद 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने के लिए। इस बात को हम ढींगरा साहब को और अत्रे जी को, ढींगरा जी को बताना पड़ेगा कि सन 62 के युद्ध में आरएसएस का जो योगदान था उसको कांग्रेस याद करता है। सन 63 की 26 जनवरी की परेड में बाकायदा आरएसएस को बुलाया गया था हिस्सा लेने के लिए। जो प्राइवेट मेंबर बिल लाए हैं वो कौन है उनका भी पता लगना चाहिए, का हमें मोटा मोटा सा पता है। तो क्या ये वाकई आज देश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं? क्योंकि जो इसके मुखालफत हो रही है ट्विटर्स पे, वो कह रहे हैं जी महंगाई पर बात करो आप, शिक्षा पर बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, क्यों ये वाला पंगा आप हमारे लिए खड़ा कर रहे हैं? नहीं देखिए, कुछ लोग जो विरोध में होते हैं उनके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि उनको किसी ना किसी रूप में विरोध करना ही है। मैं दो महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर एक विश्लेषक के तौर पर या एक पूर्व पत्रकार के तौर पर जैसे आपने कहा मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि पहले प्रॉपर स्टडी देश में कर लेनी जानी चाहिए अगले एक साल में दो साल में कि किन वर्गों में, किन पारिवारिक स्थिति के लोगों में, एजुकेशन के हिसाब से, गांव शहर, किन किन रूप में जनसंख्या के ज़्यादा मामले हैं और उसी के हिसाब से उसका इलाज करना चाहिए। क्यों बच्चे 3, 4, 5 होते हैं किसी परिवार में, उसका कारण लोगों से असेसमेंट करके उसके हिसाब से पहले उनके कारणों का इंतजाम करके उस हिसाब से लागू करना चाहिए। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादा बच्चे होने से परिवार में गरीबी आती है, ये एक तथ्य है। लेकिन हम उल्टा भी सोचा जाता है, कई परिवार ऐसा सोचते हैं कि जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतने हाथ ज्यादा बढ़ेंगे और कमाई ज्यादा होगी। मैं मेरी बात ऐसे बहुत सारे परिवारों से मैं मिलवा भी सकता हूं। मैं महत्वपूर्ण बात एक बात कहना चाहता हूं कि ज्यादा अगर हम ये सारे लोग ये मानते हैं और देश ये मानता है कि ज्यादा बच्चे होना मतलब गरीबी है, तो हमें कोई ऐसे कानून नहीं थोपने चाहिए कि जो लोग कानून होने के बावजूद ज्यादा बच्चे कर ले वो और ज्यादा गरीब होते जाए। जो लोग ज्यादा बच्चे कर ले उनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। समय मेरे पास कम है, नहीं मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ सर, अगर किसी के 4-5 बच्चे कानून होने के बावजूद होते हैं तो उनको शिक्षा और स्वास्थ्य पर पाबंदी लगाकर उनको जबरदस्ती और गरीब नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, देश अच्छा, ये चीजें होनी चाहिए। मिनट आपके पास है, आखिरी गाड़ियां रखने पर पाबंदी लगनी चाहिए अगर कोई ज्यादा बच्चे करता है तो, ऐसी चीजों में होनी चाहिए। बट शिक्षा और स्वास्थ्य उनको भी मिलना चाहिए, बल्कि ज्यादा मिलना चाहिए। जी चलिए जोगीराम जी, मुकेश जी, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सभी सहमत हैं और ये होना चाहिए, सभी मानते हैं। लेकिन इसमें दो शब्द जो आया ना, भाई ये बोझ भी बन सकती है और ताकत भी बन सकती है। अब चाइना का आप देखिए, जब एक रखा था तो ऐसा हो गया कि भी एक कपल के पास 4 डिपेंडेंट हो गए और बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई, जवान खत्म हो गए। हां हां, ये अब क्या आगे समय समय फोर जनरेशन शुरू हो गया, आखिरी चार शुरू हो गया। देखिए ऐसी कई चीजें सोचने वाली है जी, भाई इसमें क्या होना चाहिए। और मेरे कांग्रेस के बुलारे संघ को समझे बगैर आक्षेप कर रहे हैं कि जब ये बिल, मैं ये बताना चाहता हूं और आपको मुबारकबाद देना चाह रहा हूं कि आपने वो विचार जो संघ प्रमुख, मैं संघ का एक तुच्छ सेवक हूं, असंघ सेवक हूं, और जो विचार हमारे प्रमुख जी ने समाज के सामने, देश के सामने रखा है, उन्होंने फिर आपने बताया है, दूसरी बार दिखाया है। समय आखिरी कमेंट आपका डॉक्टर साहब, आखिरी कमेंट कैसे समाप्त करेंगे? इस तरह के जो विषय है उनको राजनीति से ऊपर उठ के उन पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसे दीप कमल जी ने बताया कि जो भी ऐसे वो हैं कि जिससे कोई वंचित या कोई गरीब व्यक्ति जो पहले ही एक जीवन यापन इस तरह से कर रहा है उस पर कोई मार ना पड़े, उसका प्रावधान होना चाहिए।
और राजनीति से ऊपर उठ के अगर चर्चा करके, और देखिए चाइना को इमिटेट करके या किसी और देश को इमिटेट करके नहीं, हम अपनी परिस्थितियों के मुताबिक, अपनी संस्कृति के मुताबिक अगर हम कोई प्रावधान करते हैं देश हित में, तो उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, जो कानून बनाया जाए वो देश के लिहाज से बनाया जाए। जैसे कि अधिक बच्चे पैदा करने पर रूस में अगर इनाम दिया जाता है 7 बच्चे पैदा करने पर, वहीं पर चाइना ने 1 बच्चा पैदा करने की नीति अपनाई। भारत को भी क्या अब 2 बच्चे ही हों, इस नीति पर आगे जाना चाहिए। ये आज की तारीख में चर्चा का विषय है। उम्मीद करते हैं कि बिग शो की इस बिग डिबेट में ऐसे मुद्दों को हम आपके सामने लेकर आए हैं जिन पर आप भी विचार करेंगे, क्योंकि आप जनता हैं, आप सब जानती हैं।